ये है मेन एंट्रेंस ऑफ टिटोज लेन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि टिटोज लेन गोवा का माहौल क्या है, माहौल किस लिए, न्यू ईयर पार्टी के लिए। तो चलिए आगे चलता हूँ। और अगर आप भी गोवा में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं और गोवा की न्यू ईयर पार्टी देखना चाहते हैं और बेस्ट न्यू ईयर पार्टी प्लेसेस जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कोई नहीं बताने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना। वो सामने जो दिख रहा है वो माया क्लब था। ये टिटोज फैशन स्ट्रीट आजकल स्टार्ट हो गई है। कहाँ पर? टिटोज नाइट क्लब के जस्ट सामने, मांबो नाइट क्लब एंड टिटोज नाइट क्लब के बीच में। यहाँ पे आपको टर्किश आइसक्रीम से लेके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। लेकिन माहौल दिखाता हूँ कि न्यू ईयर के लिए कितना रेडी है। तो चलिए पहले टिटोज नाइट क्लब के सामने से शुरू करता हूँ और आपको दिखाने के लिए मैं पहले आ गया हूँ, मतलब इवनिंग में ही आ गया हूँ, क्योंकि कुछ देर बाद इतनी भीड़ होने वाली है आज कि वीडियो बनाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी ये आप देख सकते हैं मेरे जस्ट सामने क्या है, टिटोज नाइट क्लब। और अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं, भीड़ आना शुरू हो गई है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि असली मज़ा तो रात के 11 बजे ही है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एंट्री फीस क्या होने वाली है न्यू ईयर के लिए। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि न्यू ईयर के लिए एंट्री फीस है टिटोज नाइट क्लब की 3500 और स्टैग एंट्री, मतलब अगर आप सिंगल लड़के हो तो आपको 4000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन इस एंट्री फीस में 2000 रुपये का आप कवर चार्ज यूज कर सकते हो, मतलब 4000 स्टैग एंट्री है, 2000 रुपये उसमें आप फूड एंड ड्रिंक यूज कर सकते हैं। 2000 रुपये का आपको फूड एंड ड्रिंक मिल जाएगा अगर 4000 एंट्री फीस है। 3500 एंट्री फीस है, उसमें भी 2000 का कवर चार्ज आपको मिल जाएगा। तो ये था टिटोज नाइट क्लब की एंट्री फीस एंड टिटोज नाइट क्लब का माहौल। लेकिन और अच्छा माहौल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है माया नाइट क्लब, ये जो कि रिसेंटली बहुत फेमस होने वाला है। ये देखो, क्लब में ऐसा भी होता है, गोवा के क्लब में ऐसा भी होता है। ऐसा मतलब धक्के मार कर निकाला जाता है, धक्का मारा, वो बाउंसर है, ये दोनों क्या थे, दोनों गए थे अंदर, बाउंसर ने धक्का मारा, बाउंसर ने धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। तो क्लब में ऐसा भी होता है, तो इसलिए बच के अच्छे से अपनी पार्टी इंजॉय करो, किसी के साथ कुछ मत करो, अदरवाइज बाउंसर खड़े ही रहते हैं, किस लिए, बाहर निकालने के लिए, भीड़ कम करने के लिए। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ गोवा, गोवा नाइट लाइफ, नाइट पार्टीज इन गोवा, पार्टीज इन गोवा, गोवा नाइट क्लब्स, क्लब्स इन गोवा, पब इन गोवा, बार इन गोवा, गोवा नाइट पार्टीज, गोवा नाइट लाइफ एंड गोवा से रिलेटेड नए नए वीडियोज आपको मेरे चैनल पर हर दिन मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं न्यू ईयर में एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।